राज का ध्यान सर, एक सिचुएशन ऐसी थी दुनिया में जब कोल्ड वॉर चल रहा था और दो गुट बटे हुए थे, अमेरिका और रूस, और भारत को एक बैलेंस लेना था, तो भारत ने एक नाम की पॉलिसी अपनाई थी। लेकिन एक बार फिर से जो भारत के दोनों बड़े साझेदार हैं, व्यापारिक भी, सामरिक भी, कल्चरल भी, वो भी कॉन्फ्लिक्ट में नजर आ रहे हैं, तो भारत के लिए इस वक्त सिचुएशन किस तरीके से आप देखते हैं? भारत के लिए राजनैतिक तौर पर ये बड़ी दुविधा की घड़ी है। उनके रिश्ते, जैसा आपने कहा, रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं, हमेशा रहे हैं। अगर हम इतिहास को देखें, पिछले 70-75 साल में रशिया ने हमेशा भारत को सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशंस में। अभी अमेरिका से भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, साउथ चाइना सी में हमारे उनकी क्वाड के हम शामिल भी हैं, और हमारे रिश्ते यूक्रेन से बहुत अच्छे हैं, जैसे हमारे छात्र बता रहे हैं, बहुत सारे हमारे हजारों छात्र वहां पर हैं। तो ये भारत तो यही उम्मीद रखेगा कि ये मामला बातचीत से सुलझ जाए और कोई ऐसी हालत नहीं आए जब भारत को भी किसी तरफ साइड लेनी पड़े। और वो रशिया भी समझता है, वो अमेरिका भी समझता है, ये तो राजनीतिक कंपल्शन होती हैं। तो आज के दिन भारत की दुविधा है। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रशिया का यूक्रेन में एक और दिलचस्प मिलिटरली, रशिया के पास कोई वार्म वाटर पोर्ट नहीं है, इसीलिए उन्होंने 2008 में जॉर्जिया का हमला किया था, 2014 में आर्मेनिया पर, ताकि उनको ब्लैक सी पर एक एक्सेस मिल जाए जो मिली हुई है। अगर यूक्रेन उनके हाथ से निकल गया तो वो एक्सेस भी बंद हो जाएगी, जो उनके इकोनॉमिक और उनकी नौसेना को एक बड़ा झटका लगेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।